हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IYU। चलिए बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी। आज की रेसिपी हमारी है बूंदी रबड़ी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनती है। और इसके लिए हमें सिर्फ चाहिए होते हैं दो इंग्रेडिएंट्स, बूंदी और दूध। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारी बूंदी रबड़ी। खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले हमारा गैस का फ्लेम ऑन करके पैन रखेंगे। सिर्फ टू इंग्रेडिएंट्स की हमारी रेसिपी है। स्लाइड साइज हम इसमें घी डाल लेंगे। और इसे पूरे पैन में इस तरीके से फैला लेंगे। बहुत ही स्लाइट है ताकि ये मेरा पैन जले नहीं। और अगर मैंने ये 1 कप मेरी बूंदी है तो इसके लिए मेरा 3/4 कप मिल्क है। और ये फुल क्रीम मिल्क लेना है आपको तो आपकी ये बूंदी खीर या बूंदी रबड़ी, आप इसे जो भी नाम देना चाहेंगे, क्योंकि टेस्ट इसका ऐसा ही आता है। ये हमारी बूंदी रबड़ी जो है तैयार हो जाएगी। देखिए इस तरीके से दूध मेरा चिपकेगा नहीं। और बहुत ही जल्दी बनती है ये, तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके घर में कभी प्रसाद ये बूंदी के अगर लड्डू हो या इस तरीके से प्रसाद वाली बूंदी आए तो इसका फटाफट से हम बूंदी खीर या बूंदी रबड़ी कुछ भी बना सकते हैं। मैं इस समय इसकी बूंदी रबड़ी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए हमारा दूध बॉयल हो गया, इसमें मैं ये, और इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स भी डालने की जरूरत नहीं अगर आप बहुत एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिक्स है। देखिए पिस्ता और काजू इसमें कटे हुए डले हैं। अगर आप थोड़ा ऊपर से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। देखिए दूध अगर आपको थोड़ा कम लगे तो और इसमें और डाल सकते हैं। मैं 1/4 कप दूध और डालूंगा। इसमें आपको शुगर डालने की जरूरत है, ना ही कोई ड्राई फ्रूट्स। और बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विक स्वीट रेसिपी तैयार हो जाती है। और ये बूंदी अक्सर प्रसाद वगैरह में घर में अवेलेबल हो ही जाती है। तो देखिए इसका टेक्सचर, इसका कलर बिल्कुल रबड़ी की तरह हो गया है, येलोइश हो गया है। क्योंकि ये बूंदी का जो प्रसाद वगैरह होता है ये ऑलरेडी अपने रिच फॉर्म में है। इसमें देखिए ये गुलाब की पंखुड़ियां और ये सब मिक्स है। हमें इसे तब तक गर्म करना है जब तक हमारी जो बूंदी है वो एकदम नरम ना हो जाए। देखिए इस तरीके से बूंदी हमारी नरम होने दीजिए, एकदम बूंदी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हमारी तैयार हो जाएगी बूंदी की रबड़ी। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आ रहा है। इसमें दूध ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी होनी चाहिए, इस तरीके से थिक हो जाए। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। दूध जैसा कि मैंने बोला आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए हमारी ये रबड़ी तैयार है। अगर इसमें दूध आप और चाहें तो डाल सकते हैं।
थोड़ा सा इसे अगर लिक्विड फॉर्म में लेना है तो मैं इसमें थोड़ा सा, यानी ऑलमोस्ट आपका एक कप दूध हो गया है। पहले ना डालें आप, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये जस्ट इसमें एक बॉयल आएगा और मैं इसे उतार लूंगी। ये देखिए आप, जस्ट सिंगल बॉयल आने दीजिए। ये देखिए हमारी जो बूंदी है वो एकदम सॉफ्ट हो गई है, और थोड़ी सी आप मैश भी कर दीजिए। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। आप इसे चाहे गरम गरम खाएं या इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख के ठंडा करके खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज मुझे जरूर दें। ये देखिए मैंने इसे कूल भी कर लिया है और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसे बाउल में ट्रांसफर करूंगी। गाइस हमारी बूंदी रबड़ी तैयार है बिल्कुल, या बूंदी खीर कहिए, कुछ भी अगर आप इसमें मैक्सिमम ज्यादा दूध डालें तो ये बूंदी खीर में कन्वर्ट हो जाएगी, और थोड़ा थिक इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे तो दैट मीन्स ये हमारी बूंदी रबड़ी तैयार हो जाएगी। तो खाइए, खिलाइए और एंजॉय करते रहिए, और मेरे वीडियोस देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।